हे हाय हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। मेरा नाम राधे वर्मा है और आज की इस ट्रेनिंग के अंदर मैं SD-WAN के बारे में बात करने वाला हूँ, स्पेशली सिस्को विप्टेला एक्विजिशन के बारे में और कैसे SD-WAN काम करता है। हम सारे टॉपिक्स देखेंगे, टिल द एंड आपको पता चलेगा कि कैसे SD-WAN काम करता है। और आपको प्रैक्टिकल भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज की लैब के अंदर कि कैसे हम टेम्पलेट्स डिप्लॉय कर सकते हैं और कैसे कंट्रोलर्स या VH हमारी जो डिवाइसेस है वो टेम्पलेट समझती हैं, कैसे टेम्पलेट बनाई जाती है, हम उस पर भी बात करेंगे। तो बहुत कुछ आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो आई वुड अप्रिशिएट कि आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो कि ये आपको कैसी लगी। और अगर आप और भी वीडियोज़ चाहते हैं कि मैं ऐसे ही बनाता रहूँ, और नेट मिनियन सॉल्यूशंस जिनके पास बहुत सारे और ट्रेनर्स हैं दूसरे भी आपके कोर्सेज की, अगर आपको हिंदी में स्पेशली वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट, हाँ, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो हमें पता है यार, जैसे भी कोई भी बड़ी कंपनी होती है वो छोटे स्टार्टअप्स को एक्वायर कर लेती है, सेम स्टोरी होती है विप्टेला के साथ। विप्टेला जो है वो SD-WAN का एक सोल्यूशन जिसने बनाया उसको एक्वायर किया सिस्को ने। तो इसीलिए अगर आप देख रहे हो तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं सिस्को विप्टेला। जो ये एक्विजिशन हुई ये हुई 2017 में अगस्त के अंदर, और एक साल के अंदर अंदर 800 प्लस कस्टमर्स सिस्को के पास आ गए जब सिस्को और वेप्टेला एक्विजिशन हुई। और ये सारी डील जो सिस्को ने की थी दैट वाज इन 610 मिलियन USD डॉलर्स, यू कैन से। आज की स्लाइड में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि SD-WAN सॉल्यूशन क्या है, SD-WAN सॉल्यूशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। इसके बाद हम बात करेंगे कि कितने कंट्रोलर्स हैं इसके अंदर, ठीक है। यूजली मिथ रहता है कि चार कंट्रोलर हैं, पांच कंट्रोलर हैं, कितने हैं वी विल डिस्कस अबाउट दैट। फिर उसके बाद हम ये बात करेंगे कि टेम्पलेट्स क्या होती है और वो टेम्पलेट्स की क्या ज़रूरत पड़ी, ओके, और वो टेम्पलेट को डिप्लॉय कैसे करना है इन्वायरमेंट के अंदर। मैं आपको ये लैब के साथ करके दिखाऊंगा आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, ओके। तो लेट अस जंप टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखो इस स्लाइड पे ना एक बढ़िया सी डेफिनेशन लिखी हुई है कि SD-WAN की फुल फॉर्म होती है सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क, है ना। और लिखा हुआ है इट यूज सॉफ्टवेयर टू कंट्रोल द कनेक्टिविटी मैनेजमेंट एंड सर्विस बिटवीन डेटा सेंटर एंड रिमोट ब्रांचेस और द क्लाउड इंस्टेंस। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें, जब आपका सॉफ्टवेयर कंट्रोल करना शुरू कर दे हर एक चीज को, तो उस पर्टिकुलर चीज को हम कहते हैं SDN, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग, ओके। जब आपकी नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर डिफाइंड हो जाए उसे SDN बोल दिया। अब SDN जो आया था, SDN के डिफरेंट डिफरेंट उसकी टर्म्स हमने अलग अलग निकाल दी। जैसे हमने SD-WAN निकाल दी फॉर वैन इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने SDA निकाल दी फॉर एक्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे DNA सेंटर और काइंड ऑफ आपके पास और बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसे ही आपकी एक और टेक्नोलॉजी है दैट इज़ ACI, ओके, दैट इज फॉर अगेन योर डेटा सेंटर। तो अगर मैं बोलूँ SD-WAN कुछ भी नहीं है बट इट इज द प्रैक्टिकल इन्फोर्समेंट ऑफ योर SDN कॉन्सेप्ट, तो दैट वुड बी करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। अब इसके बाद फिर हम इस पर भी आएंगे कि अच्छा चलो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, है ना। मैं आपको एक पेंट खोल लेता हूँ और पेंट में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखो यार, अगर हम ट्रेडिशनल नेटवर्क की बात करें तो ट्रेडिशनल नेटवर्क कुछ ऐसा होता है कि थ्रू द क्लाउड या थ्रू इंटरनेट DMVPN या XYZ कहीं से भी ट्रैफिक आकर जाता है आपके राउटर पे, राउटर के बाद आपका स्विच आ जाता है पिक्चर में, और स्विच के बाद आपके जो भी लैन है, राइट। तो ये आपका सारा का सारा एक ट्रेडिशनल लेगेसी इंफ्रास्ट्रक्चर था। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, मैंने सिर्फ एक स्विच लिया है, यहाँ पर अगर आपकी बड़ी साइट है ये 10 स्विचेस भी हो सकते हैं, और 10 स्विचेस जरूरी नहीं है कि आपके L2 होंगे, क्योंकि आपके पास L3 कैपेबिलिटी भी है, तो वो स्विचेज जो है L3 कैपेबिलिटी के भी हो सकते हैं। अब अगर आपके पास L3 कैपेबिलिटी के स्विचेज हैं, यूजली आप कोई ना कोई उन पे प्रोटोकॉल चलाते हैं, लाइक आपने इंटरनल उसके लिए EIGRP चला दिया, या मेनली लोग जो है वो OSPF चला देते हैं, तो इन दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर लेते हैं। बहुत ही हाई एंड है तो मे बी आप BGP चला सकते हैं, बट यूजली वी प्रेफर EIGRP या OSPF। इस सिनेरियो में क्या रहता है, इस सिनेरियो के अंदर आपका जो स्विच है वो दो काम कर रहा है,
वो आपका ट्रैफिक कहाँ से जाना चाहिए, राउटिंग पॉलिसी है ना, जिसे जिसको हम रिब के अंदर भी कहते हैं कि रिब आपकी राउटिंग इन्फॉर्मेशन बेस आपके सारा का सारा वो मेंटेन कर रहा है, और साथ में ट्रैफिक किस पोर्ट से आउट हो किस पोर्ट से इन हो ये सारा काम भी आपका स्विच कर रहा है, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्डिंग। तो फॉरवर्डिंग इन्फॉर्मेशन और राउटिंग इन्फॉर्मेशन दोनों कहाँ हैं, दोनों आपके स्विच के एंड पे। तो अगर आपके पास 10 स्विच हैं या 100 स्विच हैं, तो आपके पास कितनी रिब हो गई, आपके पास 100 रिब हो गई, और आपके पास कितनी फिब हो गई, आपके पास 100 ही फिब हो गई। तो एसडीएन जब आया, एसडीएन ने क्या किया, एसडीएन ने कहा कि सबसे पहले ये जो मैं रिब और फिब बोल रहा हूँ, इनको ही फैंसी वर्ड में हम क्या बोल देते हैं, डेटा प्लेन और कंट्रोल प्लेन। ओके, तो कंट्रोल प्लेन मीन्स आपकी राउटिंग इन्फॉर्मेशन सारा डिसीजन, इट इज नॉट लिमिटेड टू दैट, लेकिन आप फिलहाल के लिए एक लेमेन टर्म में ऐसे ही समझिए कि राउटिंग इन्फॉर्मेशन सारी जो है वो कंट्रोल प्लेन में आ गई है, और डाटा कैसे फॉरवर्ड करना है वो सारी डेटा प्लेन में आ गई है। तो एसडीएन का सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही था कि डेटा प्लेन और कंट्रोल प्लेन को दोनों को अलग कर दो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक स्विच जो है वो सिर्फ डेटा प्लेन रखेगा अपने पास, लेकिन कंट्रोल प्लेन एक कहीं और चला जाएगा किसी और डिवाइस के पास, जो सेंट्रली मैनेज करेगा इन सारे की सारी डिवाइसेस को जो आपके पास आपके नेटवर्क में है। अगर आपको थोड़ा सा ये एनालॉजी देखो ना, तो आपको समझ में आएगा कि हमारे पास एक WLC, अगर आप लोगों ने मतलब WLC वगैरह पे काम किया हुआ, तो एक आपके पास सेंट्रली WLC रहता था जो मैनेज करता था हर एक चीज, और फिर आपके पास लाइट वेट APIs रहते थे जो डंप आपके मतलब डिवाइसेस रहती थी, जस्ट आपने इनको डाला और आपने कैप ऐप के थ्रू बता दिया कि मेरे WLC कौन है कौन नहीं है, एंड दैट्स इट। बाकी सारा का सारा कौन कंट्रोल प्लेन जो भी प्ले करता था वो कौन प्ले करता था, दैट इज WLC। सिमिलरली यहाँ पर हमारा कंट्रोल प्लेन कोई और यूज करना शुरू कर गया है, तो उस चीज के लिए यहाँ पर अलग अलग कंट्रोलर्स आ गए हैं। वी विल बी टॉकिंग अबाउट द कंट्रोलर्स ऑल्सो, डोंट वरी। बट एसडीएन के लिए अगर मैं बात करूँ या SD-WAN के लिए मैं आपको बात करूँ, तो इसका मतलब ये हो गया है कि कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन दोनों को अलग अलग कर दिया। इंग्लिश में इसको बोल देते हैं डिस एग्रीगेशन ऑफ द कंट्रोल प्लेन एंड द डेटा प्लेन, या डी कपल ऑफ द कंट्रोल प्लेन एंड डेटा प्लेन। इससे ना फायदा क्या हुआ वो हम बात करते हैं कि क्या फायदा हो गया इससे। इससे देखो कुछ ना अपने पास एक और टर्म नई आ गई है, मैं आपको बताता हूँ। मान लो ये अपनी कंट्रोल लेयर है, ये अपनी डेटा लेयर है, तो एक और लेयर यहाँ पर आ गई, दैट इज नोन एज एप्लीकेशन लेयर। अब ये लेयर क्या करती है उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि APIs क्या होती है। देखो जैसे जैसे हमारा नेटवर्क ग्रो हो रहा है ना, हमें ऑटोमेशन की जरूरत पड़ रही है, और API में स्पेशली अगर मैं REST API की बात करूँ, तो REST API मतलब कि आपका जो नेटवर्क है या आपकी कोई भी डिवाइस है वो ओवर द HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल के थ्रू आप अपनी डिवाइस को जो है कंट्रोल करते हैं, राइट। अगर आपने वो सारी मेरी वीडियोस देखनी है, ऑल्दो दैट इज इन इंग्लिश, आप मेरी देख सकते हैं यूट्यूब पे, आपको हमारे यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको। ओके, आप बस यूट्यूब पे जाइए और ढूंढिए नेट मिनियन सॉल्यूशंस, तो आपको बहुत सारे उसके अंदर प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। कुछ प्लेलिस्ट के अंदर अगर आप जाओगे ऑटोमेशन में, तो आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसके अंदर मैंने CCNP के अंदर स्पेशली नेटवर्किंग डिवाइस से कैसे हम ऑटोमेशन करते हैं REST API के थ्रू, थ्रू द पोस्टमैन कैसे हम कॉल्स या क्वेरीज भेजते हैं, वो सारा दिखाया हुआ है। तो प्लीज़ आप जाके वो भी चेक कीजिएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, हमारे पास 3 लेयर हो गई है। पहली लेयर है डेटा लेयर। डेटा लेयर के अंदर हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्विचेस हो सकते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वेंडर्स भी हो सकते हैं। डेल का हो सकता है, HP का हो सकता है, जूनिपर का हो सकता है, सिस्को का हो सकता है, XYZ किसी भी कंपनी का हो सकता है। API इसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना, कि API हर एक वेंडर की अलग अलग है फिलहाल के लिए इस पे। ऑल्दो अगर आप सिस्को DNA सेंटर पे काम करते हैं या सिस्को ISR पे काम करते हैं, तो दोनों की APIs आपको अलग मिलेंगी। तो अभी APIs उतनी स्ट्रीमलाइन नहीं हुई हैं, तो इसलिए एप्लीकेशन के जो टीम थी, जिन्हों जो API बिल्ड करना चाह रहे थे, उनके लिए ना बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि यार हर एक
डिवाइस के लिए अलग अलग एपीआई लिखो या इस तरीके से करके। तो उसमें क्या हुआ कि जब आपका कंट्रोल प्लेन अलग हो गया, ओके, तो एप्लीकेशन टीम को सिर्फ आपको कंट्रोलर्स मैनेज करने हैं, राइट, और कंट्रोल लेयर मैनेज करनी है। इस पर्टिकुलर स्टफ को कि एप्लीकेशन टीम और थ्रू द एपीआई यू आर मैनेजिंग कंट्रोल प्लेन। तो कंट्रोल प्लेन को जब आप मैनेज कर रहे हो थ्रू द एप्लीकेशन, इसको हम क्या बोल देते हैं, नॉर्थ बाउंड एपीआई। ठीक है, इतनी टर्म आपको समझ में आ गई कि हमने सेग्रीगेशन कर दिया डाटा प्लेन का और कंट्रोल प्लेन का। फिर हमने बताया कि एप्लीकेशन टीम अब सीधा डाटा प्लेन से बात नहीं कर रही है, वो कंट्रोलर से बात कर रही है, कंट्रोल प्लेन से बात कर रही है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो कंट्रोल प्लेन से जब एप्लीकेशन टीम बात कर रही है या एप्लीकेशन लेयर बात कर रही है या एपीआईज बात कर रही है, उस चीज़ को हम बोल देते हैं नॉर्थ बाउंड। और ऐसे ही कंट्रोल प्लेन आपसे बात करेगा डेटा प्लेन के ऊपर। तो अब ये जो लेयर है, इस लेयर को और इस तरीके की बात को हम बोल देते हैं साउथ बाउंड एपीआई। अगेन ये डिफरेंट स्टोरी है कि ये क्या यूज़ करता है और ये क्या यूज़ करता है। देखो ये ना बहुत सारी लैंग्वेज यूज़ कर सकता है, लाइक मैं आपको बोल दूँ पाइथन, एक्सन, जेसन, बहुत सारी लैंग्वेज हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पर बात करें ट्रेडिशनली आपका SNMP, नेटकॉन्फ, ये काइंड ऑफ काफ़ी सारी आपकी लैंग्वेजेस यहाँ पर भी हो सकती हैं। लेकिन वो किस लैंग्वेज में बात कर रहा है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट इज योर लॉजिक कि बात चल कैसे रही है। और आज की वीडियो में जब मैं आपको दिखाऊंगा कि टेम्पलेट के थ्रू हम मॉडिफाई कर रहे हैं डिवाइसेस को, तो वो कुछ भी नहीं है, वो यही होगा कि कंट्रोल प्लेन और कंट्रोलर, स्पेशली वी मैनेज, क्योंकि हम जब भी बात करेंगे तो हम वी मैनेज इज द गुई काइंड ऑफ स्टफ, तो हम वहां पर ही अपनी सारी पॉलिसीज पुश करेंगे। तो वहां से हम टेम्पलेट से एक डाटा प्लेन, मतलब ओवर द वी एज, हम कुछ कन्फिगर करेंगे और आज हम देखेंगे कि कन्फिग्रेशन कैसे होती है। अगर हम बात करें कि SD-WAN इम्पोर्टेंट क्यों है, तो यार बहुत बहुत इसके यूज हैं। सबसे पहला तो ये कि जब भी हम कोई चीज़ भी कन्फिगर करते हैं ना, तो होप बाई होप हमें हर एक डिवाइस पे जाके करनी पड़ती है। आइदर इट इज़ QoS, पॉलिसी मैप हम लगा रहे हैं, राउटिंग कर रहे हैं, कुछ सिक्योरिटी फीचर लगा रहे हैं, और कितना भी कर लो आपकी टीम के अंदर ऐसा रहता है ना कि वर्जन कंट्रोल वो मैच हो ही नहीं पाता है। जब हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो कॉन्फ़िगरेशन मिसमैच होती ही होती है। एक सबसे बड़ा फ़ायदा कि यहाँ पर आप सेंट्रल मैनेज कर पाते हो, और आपके पास अगर 100 भी डिवाइस हैं, आपने सिर्फ टेम्पलेट बनाई और पुश कर दिया, तो सेम कॉन्फ़िगरेशन आप 100 ऑफ डिवाइसेस पे अचीव कर सकते हो। SD-WAN के अंदर क्या हुआ कि सिक्योरिटी फीचर कुछ ऐसे इनबिल्ट कर दिए हैं कि उसकी वजह से आपकी दोज आर इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी फीचर, जैसे नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल का है, IPS का है, इंक्रिप्शन का है, और भी बहुत सारे इसके अंदर इंटरनली कैपेबिलिटी डाल दी है कि इट विल हेल्प यू कि डाटा लॉस का आपका प्रिवेंशन हो जाए, डाउन टाइम कम हो, रेगुलेटरी वायलेशंस ना हो, लीगल लाइबिलिटीज ना हो। तो उस तरीके से सारी चीज़ें इसके अंदर ही डाल दी। और वैन परस्पेक्टिव से ना, आपका सबसे बड़ा एक फीचर इसके अंदर और जो ऐड हुआ है, जो बेनिफिट इसके अंदर है, कि इसकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट आपकी रिड्यूस हो जाती है जब आप SD-WAN यूज़ करते हो। एक तो ये कि आपका जो बैक प्लेन फैब्रिक है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। आपको अगर फैब्रिक का नहीं पता, मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। देखो जो आपके पुराने स्विचेस थे ना, 2960 या कुछ इस तरीके से, वो सिंपल आपका 1 RU स्विच होता था, है ना, इसके अंदर ही आपके पोर्ट्स वगैरह हैं और सारा कुछ है। तो कुछ भी आया और डिसीजन लिया इसने, और एक पोर्ट से इन हुआ और दूसरे पोर्ट से आउट हो गया। तो जैसे मैंने आपको बताया था, कंट्रोल प्लेन और डाटा प्लेन एक ही है। फिर उसके बाद क्या हुआ ना कि आपके मल्टी चेसिस आपके स्विचेस आना शुरू किए। जैसे अगर आपने 7K 9K काइंड ऑफ आपने पढ़ा हो, तो उसके अंदर क्या था, आपका सूप इंजन आते थे, राइट। तो बाकी आपकी जो चेसिस आती थी, उन चेसिस के अंदर आपके डेटा पोर्ट्स आते थे। तो लेट अस से कि ये डेटा पोर्ट्स हैं और आपका डाटा आ रहा है और जा रहा है, कौन से पोर्ट से निकलना है, कौन से पोर्ट से नहीं, वो डिसीजन कौन लेगा, वो डिसीजन आपका सुपरवाइजर्स लेते थे। लेकिन इसके बैक प्लेन में, इसका बैक प्लेन में ये पूरा चेसिस रहता था, है ना, जिसको हम बैक प्लेन बोल देते हैं, फाइबर बोल देते हैं, इस तरीके से बात कर लेते हैं। लेकिन अभी SD-WAN क्या हुआ, SD-WAN के अंदर अगर आपका, जैसे ये इंटरनेट है, ये आपकी एक साइट है ना, और ये आपका कंट्रोलर है, तो ये पूरा का पूरा, ये सारा का सारा जो चीज़ है, ये सारा का सारा इस तरीके से बिहेव कर रहा है कि ये एक पूरा फाइबर हो, मतलब ये पूरा एक स्विच की तरह काम करेगा। तो यहीं से दो टर्म्स और आ जाती है,
इसे बोल देते हैं अंडरले नेटवर्क, और जो इसके ऊपर एक टनलिंग बनती है DTLS और IPsec काइंड ऑफ टनलिंग बनती है, मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, तो वो जो टनलिंग है उसको हम बोल देते हैं ओवरले। तो इस तरीके से अंडरले और ओवरले करके दो टर्म्स आपकी आ गई, और इवन आपका पूरा इंटरनेट जो है वो एक एज अ फाइबर काम कर रहा है आपका SD-WAN के अंदर। तो क्योंकि आप इंटरनेट भी यूज़ कर पा रहे हैं, तो अगर आप MPLS सर्किट लेते हो तो पहले आप MPLS सर्किट के लिए कितना वेट करोगे, उसका पैसा तो ऑफ कोर्स ज़्यादा जाएगा ही जाएगा। फिर डिवाइस उसके लिए वैसी चाहिए जहाँ पर आपको टर्मिनेट करना है, फिर आपको कोई इंजीनियर ऐसा चाहिए जो उसको प्रेफर कैपेबल हो कि VRF में डाल दे या XYZ जो भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉन्फ़िगरेशन में डाल दे। तो वो सारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना, वो कॉम्प्लेक्सिटी भी यहाँ से आपकी रिमूव हो रही है। तो मैं आपको दोबारा बता दूं, SD-WAN में आपको देखो परफॉर्मेंस आपको बढ़िया मिल जाती है, सेंट्रल मैनेजमेंट मिल जाती है, सिक्योरिटी इसने बहुत बूस्ट कर दी है आपको, कॉस्ट इसने रिड्यूस कर दी है, कॉम्प्लेक्सिटी आपकी बहुत कम हो गई है। तो SD-WAN जो है ना, दैट इज इन यूज सो मच ड्यू टू सच काइंड ऑफ फीचर्स। चलो यार नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड अगर हम अपनी देखें तो नेक्स्ट स्लाइड हमारी है कि हाउ मैनी कंट्रोलर्स आर देयर इन SD-WAN सॉल्यूशन। तो मैं चाहूंगा कि एक बार ये क्वेश्चन का आंसर आप भी दो। अगर आपने सोच लिया तो बताइए। ठीक है, आपने YouTube से या बाकी जगह से अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो आपको पता है कि SD-WAN के अंदर तीन कंट्रोलर होते हैं, है ना। हम बात कर चुके हैं कंट्रोल प्लेन की, हम बात कर चुके हैं डेटा प्लेन की। अब ना दो प्लेन में आपसे और बात करना चाहूंगा ताकि मैं कंट्रोलर्स के बारे में आपको अच्छे से समझा पाऊँ। एक जो प्लेन होता है ना उसको बोलते हैं और कैस्ट्रेशन प्लेन। ये ऑर्केस्ट्रेशन प्लेन जो होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए, ठीक है। ये जो होता है वी बॉन्ड, इसका कंट्रोलर होता है, ओके। तो वी बॉन्ड कंट्रोलर या ऑर्केस्ट्रेशन प्लेन क्या करता है कि जब भी आपकी कोई डिवाइस बूटअप होती है तो सबसे पहले उसे ऑथेंटिकेशन के लिए जो जाएगा वो जाएगा वी बॉन्ड पे। वी बॉन्ड पे आपकी टेम्परेरी DTLS टनल बनेंगी। एक बार DTLS टनल आपकी वी बॉन्ड से बन गई, उसके बाद वी बॉन्ड उसे बताएगा कि आपका वी मैनेज कौन है और वी स्मार्ट कौन है, ओके। अब जब हम बात करते हैं वी स्मार्ट की, तो वी स्मार्ट जो हमारा कंट्रोलर है दैट इज फॉर कंट्रोल प्लेन, ओके। जब हम कंट्रोल प्लेन की बात करते हैं मतलब राउटिंग पॉलिसीज की, राउटिंग कैसे टेक प्लेस होनी चाहिए, कौन सी डिवाइस अगर एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन से बात कर रही है तो उसके लिए कहाँ से वो जाएगा, दैट काइंड ऑफ कैपेबिलिटी आपका वी स्मार्ट देखता है। फिर तीसरा जो हमारा कंट्रोलर है जो सबसे इम्पोर्टेंट भी है वो है वी मैनेज। जो ये वी मैनेज है ना, वी मैनेज पे हम GUI एक्सेस लेंगे, ओके। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में लैब के अंदर कि GUI एक्सेस जो हम लेते हैं वो वी मैनेज का होता है, और ये जो हमारा आ जाता है मैनेजमेंट प्लेन के अंदर आ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे डाटा प्लेन कहाँ है और उसका कंट्रोलर, तो डाटा प्लेन का हम कंट्रोलर यूजली हम उसके लिए यूज नहीं करेंगे वर्ड, बट दैट इज समथिंग नोन एज VH। तो VH जो आपकी डिवाइसेस हैं वो आपकी डाटा प्लेन की तरह यहाँ पे काम करती हैं। पर अगर मैं कंट्रोलर की बात करूँ तो आपके तीन कंट्रोलर हैं, है ना। सबसे पहला कौन सा, वी बॉन्ड। वी बॉन्ड जो इनिशिएट करता है आपका ब्रिंग अप प्रोसेस जब भी आपकी कोई भी VH डिवाइस बूट अप होती है फॉर क्रिएटिंग द सिक्योर टनल, है ना, ताकि सिक्योर टनल बन जाए किस किसके बीच में, VH के बीच में, वी स्मार्ट के बीच में और वी मैनेज के बीच में। फिर दूसरा मैंने बात की आपको वी स्मार्ट के बारे में। वी स्मार्ट मैंने आपको क्या बताया कि ये वो कंट्रोलर है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल कंट्रोल एंड डेटा पॉलिसीज, है ना। और ये कैसे इसकी हेल्प होती है, ये जो यूज करता है एक और प्रोटोकॉल यूज करता है जिसको हम बोलते हैं OMP। मैं अपना पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, OMP। तो OMP एक और आपका नया प्रोटोकॉल है जो यहाँ पर यूज आएगा। मैं आपको दिखाऊंगा धीरे धीरे ना, ये सारी चीजें आपको दिखाऊंगा। तो ये कुछ भी नहीं है, एक नया कंट्रोल प्रोटोकॉल है, जैसे हमारा BGP यूज होता था बिट लाइक, आप वैसे ही आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो ओवरले मैनेजमेंट प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म है, तो OMP आपका यूज होता है और ये बाय डिफॉल्ट अपने आप चलेगा, आपको ऐसा नहीं है कि अलग से कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़े, ठीक है। तो जैसे ही आपकी डिवाइस वी कंट्रोल वी स्मार्ट से आपका अटैच हो जाएगी,
और आप राउटिंग फॉलो करना शुरू कर देंगे तो ओएमपी विल कम इनटू द पिक्चर ऑटोमेटिकली, अपने आप, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है उसमें। तीसरे कंट्रोलर की जो मैंने बात की यार, वो बात की मैंने वी मैनेज की, जो मैंने आपको बताया कि आपको पूरा मैनेज करना है। सेंट्रलाइज एक पोर्टल है आपके पास, जिससे कि जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, एवरी पीस ऑफ योर कंट्रोलर यू कैन मैनेज, है ना। तो देर आर थ्री डिवाइसेस, अगर मैं आपको कंट्रोलर की बात करूं, वी बोन, वी स्मार्ट, वी मैनेज। आई होप कि आपको अब इन तीनों के बीच में डिफरेंस पूरा समझ में आ गया होगा। चलो यार, इसको रब कर देता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। हु यूज टेम्पलेट्स? सो बिफोर कमिंग टू दिस क्वेश्चन दैट हु यूज टेम्पलेट्स, पहले हम ये देखते हैं कि टेम्पलेट्स हैं क्या। ओके, और टेम्पलेट की जरूरत ही क्यों पड़ी? तो जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि होता क्या है, नॉर्मली एक नेटवर्क इंजीनियरिंग की लाइफ में वो एक डिवाइस कन्फिगर कर रहा है। ओके, अब धीरे 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 मान लो साइट्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, हमारे पास टीम्स बढ़ जाती हैं। अब एक जो L3 है या L4 है, जो भी सॉल्यूशन आर्किटेक्ट है, जो भी टेम्पलेट बना रहा है ना, टेम्पलेट इन द फॉर्म ऑफ एक्सेल शीट बना रहा है या किसी चीज़ में बना रहा है, और वो एक्सेल शीट अपडेट करता है, वहाँ से शेयर पॉइंट पे रखता है, शेयर पॉइंट से हो सकता है टीम उसको नहीं चेक कर पा रही है, या कोई टीम जो है वो पुरानी ही चलने दे रही है। तो ये सारा कुछ जो मैश है ना, ये सारा आपका वर्जन कंट्रोल जो है वो एक जैसा नहीं रहता है। तो टेम्पलेट का सबसे पहला तो यूज़ यहाँ पर ये हो जाएगा कि आपका मैनुअल इंटरवेंशन जो हर एक डिवाइस पे जाके आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता था, वो हट जाएगा। दूसरा, एक ही साथ आप काफ़ी डिवाइसेस पे इसको पुश कर सकते हैं, वर्जन कंट्रोल आपका पूरा आ जाएगा। जब मैं टेम्पलेट्स की बात करता हूँ तो आप इसको इस तरीके से समझिए कि कुछ कॉन्फ़िगरेशन है जो हम ना और डिवाइसेस पे कर सकते हैं, तो दैट इज़ टेम्पलेट। इसको भी डिप्लॉय करने के दो तरीके हैं, एक थ्रू CLI और दूसरा थ्रू वी मैनेज आप पुश कर सकते हैं। ओके, CLI मीन्स आपको पता ही है, वही ट्रेडिशनल अपना एक आप जाएंगे कमांड लाइन के थ्रू और जो भी आपकी टेम्पलेट है वो आप पुश कर सकते हैं। वी मैनेज मतलब थ्रू द GUI पार्ट आपने अपनी डिवाइस आप अटैच करेंगे और वो टेम्पलेट जो भी आपने बनाई हुई है, ओके, वो टेम्पलेट आपकी डिवाइस के ऊपर जाके कॉन्फ़िगरेशन पुश करेगी। एक बहुत बहुत अच्छी चीज़ जो यहाँ पर मुझे लगी वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपकी डिवाइस की रीचेबिलिटी थ्रू है, वी मैनेज में दिखाई दे रहा है कि आपका वी एज अप आ गया है, एक ही वी एज की हम बात करते हैं फिलहाल, है ना। तो अब आपने कुछ टेम्पलेट उस पर लगाई और डिवाइस की रीचेबिलिटी ब्रेक हो गई, तो विद इन सम टाइम, वो टाइम आप ट्वीक आउट कर सकते हैं, आई होप इट इज़ बाई डिफॉल्ट 5 मिनट्स और 6 मिनट्स, तो उसके बाद अगर आपकी रीचेबिलिटी ब्रेक होती है तो डिवाइस की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो रोल बैक हो जाएगी ऑटोमेटिकली, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले जब पहले के ट्रेडिशनल हमारे जो काम रहता था कि हाँ, नेटवर्क इंजीनियर ने कुछ काम किया और रीचेबिलिटी चली गई और अब बैठे हुए हैं कि कब FE जाएगा, FE से हम कंसोल लेंगे, कंसोल लेके हम सारा रोल बैक करेंगे, तो इट इज़ नॉट बिट लाइक दैट, ऑटोमेटिकली इसके अंदर सारा काम हो जाता है। और जब आप वी मैनेज से करते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि नाउ इट इज़ मैनेज बाई वी वी मैनेज, है ना। तो फिर आप CLI में जाके खुद से कोई काम नहीं कर सकते हैं, जैसे ही आप कमिट करेंगे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे सेव करने के लिए आपको कमिट डालना पड़ता है, राइट। अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन कर ली और जब तक आपने कमिट नहीं लिखा तो मतलब वो वर्क नहीं करेगी कॉन्फ़िगरेशन। तो जैसे ही आप कमिट करेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा कि दिस डिवाइस इज मैनेज बाई वी मैनेज, है ना। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा आज की लैब के अंदर, ये दोनों टास्क मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे डिवाइस ऑटोमेटिकली रोल बैक कर रही है और कैसे हमारा वी मैनेज वो दिखाता है, ठीक है। तो लेट अस नॉट वेट मोर, हम जंप करते हैं अपनी लैब के ऊपर। ओके, तो अगर आप देखेंगे कि ये नेटमिनियन की आपकी प्रॉपर SD-WAN की लैब है, ठीक है, और यहाँ पर अगर आप SD-WAN की लैब में देखेंगे तो आपकी कंट्रोलर जोन है ये लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, ये सारा आपका कंट्रोलर जोन है जहाँ पर आपका वी स्मार्ट, वी बॉन्ड, वी मैनेजर है, एक मैनेजमेंट के लिए आपका PC है, रूट CA है, क्योंकि आपका जैसे डिवाइस आप आती है तो आपकी ऑथेंटिकेशन जो है वो सर्टिफिकेट से होती है ना, तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट ऑल्सो, डोंट वरी। अब लेकिन आज के उसमें वीडियो में नहीं, ये इंटरनेट आपकी कनेक्टिविटी है, ऑल दो यहाँ पर आपको दो कनेक्टिविटी दिखा रखी है, बट फिलहाल के लिए ये जो VH4 है ये इंटरनेट कनेक्टिविटी से मेरा यहाँ से होते हुए वी मैनेज के अंदर अप शो करना चाहिए। और अगर मैं VH के ऊपर भी देखूंगा तो मेरे कंट्रोल कनेक्शंस वगैरह सारे अप होने चाहिए। तो लेट अस सी यार, लेट अस सी। तो इस पर डबल क्लिक करके मुझे विंडो का कंसोल मिल जाएगा, तो मैं विंडो का कंसोल ले लेता हूँ।
कि क्या है मेरा एक्चुअली में। ये मेरा विंडो का कंसोल है, यहाँ पे मैं अभी फटाफट ब्राउज़र पे जाता हूँ और ब्राउज़र पे जाके मैं सबसे पहले ओपन करता हूँ मेरा वी मैनेज। ओके, तो वी मैनेज की मेरी आईपी आप देख रहे हो, 20 करके मैंने कुछ आईपी दी हुई है, जो आईपी स्कीमा में भी आपको मिल जाएगा। अगर आप ऑलरेडी इनरोल्ड हैं इन क्लासेस के लिए तो आपके पास लैब और ये सारा सेटअप आपके पास होगा, राइट। लेकिन लेट मी लॉग इन इन टू इट। सो और यहाँ अपना एक कोई बैनर आया है, वेलकम टू द नेटमिनियन सॉल्यूशन एस डी वैन लैब। ऑफ कोर्स ऐसा बैनर आप प्रोडक्शन में नहीं लगा सकते हैं, बट ये एक लैब है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं देखूँ तो मेरी इस पर्टिकुलर लैब के अंदर वी एज डाउन है। ओके, तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले मुझे ये वी एज देखना है कि ये डाउन क्यों है। तो मैं अपनी वीडियो को थोड़ा पॉज करता हूँ, सबसे पहले मैं वी एज की कनेक्टिविटी अप कर देता हूँ। ओके, तो अगर अभी हम अपनी लैब देखें तो हमारी लैब के अंदर हम देख पा रहे हैं कि कंट्रोल कनेक्शन जो है ना वो अप है, राइट। ये वी मैनेज है जो कि मैनेजमेंट प्लेन के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये मुझे दिखा रहा है कि एक कंट्रोलर वी स्मार्ट वो अप है, ये दिखा रहा है कि वी एज एक डिवाइस मेरी अप है, ये दिखा रहा है कि वी बॉन्ड एक मेरा अप है, और वी मैनेज जो कि ये खुद है दैट इज ऑल्सो अप। यहाँ पर आप देख रहे हो कि कंट्रोल प्लेन में ये दिखा रहा है कि दैट इज अप। यहाँ पर वैन एज की अगर आप हेल्थ देखें तो वो भी हमारी दैट इज गुड। अब मैं आपको वी एज 4 की कॉन्फ़िगरेशन दिखाता हूँ थोड़ी सी। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं चलूँ शो इंटरफेस डिस्क्रिप्शन और टेबुलर फॉर्म में अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो मैं भी शो इंटरफेस डिस्क्रिप्शन टेबुलर फॉर्म, तो आप देख पाएंगे कि मेरा जो पर्टिकुलर ये वी एच है इसका नाम है वी एच 4, और इस पे जो मैंने आईपी डाली हुई है दैट इज 100.12.4.2। यही सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पर जाकर देखना चाहूँ कि मेरे वी एच की क्या इन्फॉर्मेशन है ना, ओवर द वी एच पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी कि रीचेबिलिटी ओके है, होस्ट नेम वी एच 4 है, सिस्टम आईपी क्या है, साइट आईडी क्या है, डिवाइस मॉडल क्या है ना, ओ एम पी पी आर देखो अप है, कंट्रोल कनेक्शन इसमें दिखाया हुआ है, वर्जन दिखाया हुआ है, चेसिस नंबर, सीरियल नंबर, और ये कब अपडेट हुआ है लास्ट, वो सारी चीज़ें इसके अंदर अपडेटेड है, राइट। वी एच 4 पर जाके मैं आपको शो रनिंग भी दिखा देता हूँ। तो अगर मैं शो रन आपको दिखाता हूँ तो आप सेम चीज़ यहाँ पर भी देख पाओगे कि साइट आईडी क्या है, सिस्टम आईपी क्या है ना। तो आपकी दो कॉन्फ़िगरेशन होती हैं किसी भी इस इन तरीके के डिवाइसेस में। आई होप आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होगी इसमें, नहीं है तो आप प्लीज़ मेरी एक बार पुरानी वीडियोज़ भी देखिएगा, है ना। तो जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन होती है आपकी ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम और ऑन द बेसिस ऑफ वीपीएन। अब सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में जैसे आपकी साइट आईडी आ गई है, आपकी सिस्टम आईपी हो गई है, या आपकी बहुत सारी जो भी होस्ट नेम करके इस तरीके की जो भी इन्फॉर्मेशन है आप इसमें डालते हो इंक्लूडिंग योर वी बॉन्ड। यहाँ पर आपका अंडरले वीपीएन पे अगर वीपीएन 0 पर अगर आप काम कर रहे हो तो वीपीएन 0 में आपका कौन सा इंटरफेस होगा वो इंटरफेस आप डालते हो, उसकी क्या आईपी होगी वो आईपी डालते हो, अगर आईपी रूट कुछ है तो वो आईपी रूट भी डालते हो। लेट मी शो यू ऑन दिस डिवाइस ना, इस डिवाइस पे ऑलरेडी हमारा होगा तो वो हम सारा एक बार चेक करते हैं कि इस डिवाइस पे क्या है। तो ये मेरी पहले अगर आप देखो ना तो ये सिस्टम सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है। देखो अभी तक जो आपकी इन्फॉर्मेशन थी ना ये ऊपर से लेके सारी ये आपके सिस्टम के अंदर कहीं जा रही थी, राइट। लेकिन अगर अभी आप आगे की इन्फॉर्मेशन देखोगे ना तो वीपीएन 0 स्टार्ट हो गया। देखो वीपीएन 0 के अंदर अगर आप देखो गिग 0/0 पड़ा हुआ है जिसके अंदर हमने आईपी डाली है ना, और बाकी कुछ कपल्स ऑफ थिंग्स वी एडिड ओवर देयर बट लीव दैट, है ना। आप यहाँ देखो मैंने क्या किया हुआ है, एक आईपी राउट डाला हुआ है, स्टैटिक राउटिंग डाली हुई है जिसके अंदर मैंने सिर्फ ये बताया हुआ है कि अगर डिफॉल्ट रूट पे जाना है तो आप इस आईपी पे जाओ। तो मतलब मेरे सारे कंट्रोलर्स जितने भी हैं ना अगर मुझे वहां पे रीच करना है तो मेरे को जाना पड़ेगा 112.4.1 पर। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे ना, हम कुछ टेम्पलेट्स लगाएंगे थ्रू वी एज और हम चेक करेंगे कि वो टेम्पलेट जो है मेरी वी एच 4 को कॉन्फ़िगर कर रहा है या नहीं कर रहा। तो सिंपल से करने का तरीका क्या होगा ना कि हम इसमें होस्ट नेम मैंने चेंज कर दिया है तो होस्ट नेम इसका चेंज हो जाना चाहिए। तो अगर होस्ट नेम चेंज हो जाता है, मैं आपको दिखाऊंगा सारी टेम्पलेट्स क्या बनाई है मैंने, डोंट वरी, है ना।
तो अगर हमारा होस्ट नेम चेंज हो जाता है और थोड़ा बहुत और चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो इट मीन्स कि हाँ हमारी टेम्पलेट वर्क कर गई है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी मैनेज पे जाएंगे। वी मैनेज पे जाके हम एक टेम्पलेट पुश करेंगे, ठीक है। जो हम टेम्पलेट पुश करेंगे, टेम्पलेट इट इज़ बिट लाइक योर कॉन्फिग्रेशन, तो वो कॉन्फिग्रेशन हम पुश करेंगे वी मैनेज से ओवर द वी एज फोर। तो एक तो मैंने आपको बताया कि होस्ट नेम मैंने थोड़ा सा चेंज किया, तो होस्ट नेम चेंज हो जाएगा और बाकी सारी चीज़ें। तो जैसे ही ये चेंज हो जाएगा, वहाँ पर भी हम देख पाएंगे कि सक्सेसफुल ये चेंज हो गया है और ये मैनेज्ड बाय वी मैनेज, ऐसा करके आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। मैं आपको वो भी सारी चीज़ें अभी दिखाने वाला हूँ थोड़ी देर में। उसके बाद ये आप रूट देख रहे हैं, ये रूट ही क्योंकि इम्पोर्टेंट है टू रीच आउट माई ऑल कंट्रोलर्स, जितने भी मेरे कंट्रोलर्स हैं। तो ये मेरा वी एज है, ये इंटरनेट की तरफ रूट डाला हुआ है मैंने, डिफॉल्ट रूट, जो कि मेरे सारे के सारे कंट्रोलर्स, आइदर इट इज़ वी बॉन्ड, आइदर इट इज़ वी स्मार्ट, आइदर इट इज़ वी मैनेज की तरफ जा रहा है। तो मैंने अपनी टेम्पलेट में जानबूझ के ये रूट नहीं डाला। अब क्या होगा कि जैसे मैं टेम्पलेट पुश करूंगा, इसका नाम चेंज हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा, उसके बाद मेरी जो कनेक्टिविटी है वो ऑफ कोर्स ब्रेक हो जाएगी। और क्योंकि मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, अगर कुछ इस तरीके का सिनेरियो होता है कि आपकी कनेक्टिविटी ब्रेक हो जाए आफ्टर पोस्टिंग और पुशिंग योर कॉन्फ़िगरेशन थ्रू योर वी मैनेज, तो आपकी डिवाइस खुद से रोल बैक कॉन्फ़िगरेशन को इनवोक करेगी, ठीक है। तो आपकी डिवाइस सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन को दोबारा से रोल बैक कर देगी, जो इसकी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है ये उस पे चली जाएगी। तो ये सारे के सारे प्रैक्टिकल्स हम अभी देखने वाले हैं, है ना। तो लेट अस सी, सबसे पहले हम यहाँ पर जाएं और यहाँ पर जाके चेक करें शो कंट्रोल कनेक्शंस। तो मैं देखता हूँ तो मेरे सारे कनेक्शंस ना अप हैं, है ना। आप चेक कर पा रहे हो कि वी स्मार्ट के साथ भी, वी बॉन्ड के साथ भी, वी मैनेज के साथ भी, एवरी कनेक्शन इज अप। DTLS टनल आपको दिखाई दे रही होगी कि सारा कुछ अप है, ठीक है। अब हम जाते हैं ना विंडो मशीन पे जाते हैं। विंडो मशीन के अंदर मैं अगर जाता हूँ कॉन्फ़िगरेशन में ओवर द डिवाइसेस, तो मैं डिवाइस में जाता हूँ तो आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास एक डिवाइस है वी एच के अंदर, है ना। और ये वी एच फोर डिवाइस है मेरी, जो एक सीरियल नंबर इसका आप यहाँ देख पाओगे और चेसिस नंबर आप यहाँ पर देख पाओगे। अब मैं क्या करता हूँ ना, मैं जाता हूँ टेम्पलेट्स के अंदर। टेम्पलेट्स के अंदर अगर आप देखो तो देर आर टू टाइप्स ऑफ टेम्पलेट, पहली डिवाइस टेम्पलेट, दूसरी फीचर टेम्पलेट। देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे डिवाइस टेम्पलेट है और फीचर टेम्पलेट है, दो टेम्पलेट है ना। तो ये जब भी आप टेम्पलेट क्रिएट करते हैं तो आप फीचर टेम्पलेट जो होता है, छोटा 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 आपके जो फीचर्स होते हैं, लेट मी चेक ओवर दैट, यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना मैं। तो यहाँ पर अगर आप जाते हो तो ये फीचर टेम्पलेट है, यहाँ पर ऐड न्यू करोगे तो आप नई बना दोगे। यहाँ पर अगर आप देखो तो नॉल डिफॉल्ट में आपको दिखा रही है मेरी चार टेम्पलेट, अगर आप डिफॉल्ट देखो या ऑल देखो तो आपको सारी दिखाई देंगी। तो ये फैक्ट्री रीसेट की कुछ आपकी है ना, कुछ टेम्पलेट्स हैं जो कि आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन आप नॉन डिफॉल्ट में देखते हैं जो हमने बनाई है। इसमें से कोई भी एक मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने वैन पोर्ट GE 0x0 की जो टेम्पलेट बनाई है, अगर मैं उसमें एडिट करके आपको दिखाऊं, तो सिंपल सी टेम्पलेट है, कुछ ज़्यादा है नहीं है। मैंने उसके अंदर क्या किया है, टेम्पलेट का नाम दे दिया है, डिस्क्रिप्शन दे दी है, और यहाँ पर मुझे ये सेट करना होता है ना कि ये शट डाउन जो है ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बट ऑब्वियस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ कि ग्लोबल वैल्यू होनी चाहिए या डिवाइस स्पेसिफिक हो या डिफॉल्ट हो। तो मैंने बोला भैया ग्लोबल चाहिए मेरे को, और ग्लोबली मुझे नो शट चाहिए। इंटरफेस का नाम क्या होगा, क्योंकि मेरी टोपोलॉजी इसी तरीके से है कि 0x0 मेरे सारे के सारे इंटरफेस जो है वो जा रहा है टुवर्ड्स द इंटरनेट, तो मैंने वो गीक 0x0 दे दिया। इसी तरीके से मेरी डिस्क्रिप्शन मैंने इसके अंदर डाल दी कि टुवर्ड्स इंटरनेट यूजिंग टेम्पलेट। तो अगर आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देखो तो मैंने यूजिंग टेम्पलेट डाल दिया, और यहाँ पर अगर हम जाकर देखें सोशो इंटरफेस डिस्क्रिप्शन टेबुलर फॉर्म में अगर हम चेक करें, तो आप देख पाओगे कि अभी सिर्फ है टूवर्ड्स इंटरनेट, राइट। लेकिन अगर मैं ये पर्टिकुलर पुश करूंगा तो आना चाहिए टूवर्ड्स इंटरनेट यूजिंग टेम्पलेट। हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में ये सारा कुछ देखेंगे, ओके। तो मैं दोबारा से आपको बता दूं कि मैं फीचर्स टेम्पलेट्स में मैंने कुछ कुछ फीचर्स मैंने बना दिए हैं, जैसे VPN 12 की मैंने एक छोटी सी बना दी है, VPN 0 की बना दी है, सिस्टम टेम्पलेट बना दी है, एक वैन गीग पोर्ट 0x0 की बना दी है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैं डिवाइस पे जाता हूँ। डिवाइस में भी आप इवन दो व्हेन यू आर क्रिएटिंग द टेम्पलेट, आप दो
दो तरीके से बना सकते हैं, CLI से या फीचर टेम्पलेट से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं डिवाइस बनाता हूँ, डिवाइस टेम्पलेट बनाता हूँ, ये देख पा रहे हैं कि आप, मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया था तो ये वो आउट ऑफ सिंक दिखा रहा है ना, कल मेरे ख्याल से मैंने ये इनिशिएट किया था। मैं आपको एडिट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, आपने डिवाइस का मॉडल चूज़ किया, डिवाइस का टेम्पलेट नाम चूज़ किया, डिस्क्रिप्शन जो भी आपने देना है डिस्क्रिप्शन दी आपने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो मेरी सिस्टम टेम्पलेट थी, मैंने वो वाली सिलेक्ट कर ली कि आई वॉन्ट टू सेलेक्ट माई सिस्टम टेम्पलेट। बाकी ये सारी फैक्ट्री डिफॉल्ट मैंने सारी छोड़ दी, OMP की, BFD की सारी वैसे ही छोड़ दी है। यहाँ पर आप देखो तो VPN0 जो मैंने बनाई थी, मैंने वो डाल दी है, VPN इंटरफेस डाल दी है। तो इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ, ये मेरी एक पर्टिकुलर डिवाइस टेम्पलेट है। यहाँ से मैं डी अटैच कर देता हूँ इस डिवाइस को, अगर ये ऑलरेडी अटैच हुआ है तो। अगर मैं इसे डी अटैच करूँ तो अब थोड़ा थोड़ा वेट करना पड़ेगा अपने को, ओके, क्योंकि वो ऑलरेडी मेरी डिवाइस पहले अटैच थी तो मैंने अभी उसको थोड़ी देर के लिए डी अटैच कर दिया, क्योंकि मुझे दोबारा से उसको अटैच करना है और दोबारा से हम चेक करेंगे। तो यहाँ देखो, वो कह रहा है कि हाँ ठीक है, वैलिडेशन सक्सेसफुल आ गया। तो अगर मैं अभी इसको देखूँ तो मेरे को अभी ये दिखाई दे रहा है इन सिंक, राइट। हम क्या करते हैं ना, वो डिवाइस को हम अटैच करते हैं, ओके। तो मेरे पास जब मैं अटैच करने के लिए डालता हूँ, क्योंकि मैंने VH सेलेक्ट किया था मॉडल, इसलिए मुझे दोनों VH दिखाई देते हैं। आई होप यू आर अवेयर कि वी बॉन्ड भी VH की ही इमेज यूज करता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैं VH सेलेक्ट किया और मैंने इसको किया अटैच। अब इसको जब मैं अटैच करता हूँ तो कुछ मेरे पर्टिकुलर फील्ड्स होते हैं जो ये पूछता है ऑलरेडी, जो इसने अभी पिक कर ली है, ओके। ऑल दो अगर ये पहले नहीं किया होता तो ये मेरे से पूछता, चलो ठीक है मैंने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करता हूँ तो ये कहता है कि ठीक है, डिवाइस की जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज़ अबाउट टू गेट कॉन्फ़िगर्ड। अब मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूँ ना तो यहाँ पे मुझे दिखा देगा कि ये कॉन्फ़िगरेशन का प्रीव्यू क्या है। देख रहे हैं आप, ऊपर दिखा रहा है कॉन्फ़िगरेशन प्रीव्यू। तो ये देखो, नीचे आप जाएंगे तो ये सारा दिखाएगा कि कॉन्फ़िगरेशन का प्रीव्यू क्या है। और अगर आप डिफरेंस चेक करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करो तो ये बता रहा है कि ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपकी चेंज हो जाएगी, रेड वाली आपकी हट जाएगी। और ये ग्रीन वाला देख रहे हैं आप, होस्ट नेम, होस्ट नेम आपका हो जाएगा VH4Site230। और करंट अगर हम होस्ट नेम देखें तो क्या है, करंट होस्ट नेम हमारा VH4 है सिर्फ, ओके। तो अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और नीचे जाते हैं और चेक करते हैं कि क्या IP रूट हम हटा रहे हैं या नहीं हटा रहे। तो यहाँ पर अगर हम नीचे जाएं VPN0 के अंदर, ये देखो IP रूट आपका रेड कलर में दिखाई दे रहा है। ऑल द VPN4 की भी कन्फिग्रेशन हट रही है, बट वो VPN4 के लिए अभी हम लीस्ट बोथर्ड हैं, हम उसके लिए नहीं सोचेंगे ज़्यादा, है ना। तो इस तरीके से आपका कुछ चेंजेस हो रहे हैं, जैसे ये कलर जो है पहले पब्लिक इंटरनेट है, बिज इंटरनेट रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, तो रिस्ट्रिक्ट कमांड क्या करती है वो हम बाद में बात करेंगे उसके बारे में। नेम जो है हम इंटरनेट कनेक्शन डाल दें VPN0 के अंदर, जो अभी फिलहाल कोई नेम नहीं है ना। तो इस तरीके से हम कुछ चेंज कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि ठीक है, यू वॉन्ट टू गो फॉर दिस और नो। यहाँ पर आप कन्फिगर डिवाइस देख रहे हैं, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप कन्फिगर डिवाइस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये स्केड्यूल कर आ जाएगा कि हाँ इट इज़ स्केड्यूल्ड, ठीक है। हम VH4 पे जाके एक बार एंटर मार के चेक करें, क्या आप देख पा रहे हैं, देख रहे हैं ये देखिए आपका VManage4 जो है। अब अगर आप कॉन्फ्टी में जाके, ओके, आप कुछ करना चाहते हैं तो आप ये चेक कर पा रहे हैं कि VManageAdminSSH, राइट, नेट कॉन्फ से। तो मैं भी अगर मैं सिस्टम में जाके होस्ट नेम दोबारा से कुछ भी देना चाहूँ, होस्ट नेम ABC वटेवर मैं देना चाहूँ, और मैं इसको कहूँ कमिट, तो आइडली ये आपको एरर देगा कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, रीजन बिहाइंड आपकी ये सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन जो लॉग्ड हो गई है दैट इज़ बाय VManageAdminSSH। बट क्योंकि आपका अभी, अगर दोबारा से हम देखें ना, शो कंट्रोल कंट्रोल कनेक्शंस, तो आपका जो कनेक्शन है दैट इज़ ब्रेक। आप देखिए आपको वी मैनेज दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, है ना। वो वी बॉन्ड मेरे ख्याल से थोड़ी देर के लिए वो अभी पुराना आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन वो भी डाउन हो जाएगा थोड़ी देर में, ओके। तो आपके क्योंकि सारे कनेक्शन ब्रेक हो गए हैं, तो यहाँ पर मेरी विंडो मशीन कहाँ गई, यहाँ पर आप थोड़ी देर में देखेंगे कि आपको रोल बैक दिखाई देगा कि रोल बैक कर दिया है डिवाइस ने, बिकॉज आपका कनेक्शन जो है वो ब्रेकआउट हो गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा कि ओके दिस इज सक्सेसफुल, उसके बाद थोड़ी देर में ये दिखाएगा कि रोल बैक हो गया है, ओके। तो मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर देता हूँ जब तक ये टाइम लेता है।
ओके क्या आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैसेज आ रहा है सक्सेस, इट मींस इट इज सक्सेसफुली कन्फिगर्ड। तो वो तो हमने पहले ही देख लिया था कि इट इज सक्सेसफुली कन्फिगर्ड, लेकिन अभी थोड़ी देर और रुकते हैं, मैं वीडियो फिर पॉज करता हूँ और चेक करेंगे कि ये दोबारा से रोल बैक हो गया है। तो अभी दोबारा से देखें, अगर हम ये डिवाइस सक्सेसफुल हो गई थी है ना, और दोबारा से अगर हम टेम्पलेट पे जाएं, कॉन्फ़िगरेशन एंड देन टेम्पलेट्स एंड पर्टिकुलर ये जो हम एरर मैसेज हम पहले भी देख पा रहे थे, अगर हम देखें तो ये क्या दिखा रहा है, आउट ऑफ सिंक। और इस पर अगर हम क्लिक करें तो ये क्या कह रहा है कि कॉन्फ़िगरेशन रोल बैक बाय द डिवाइस। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो कनेक्शन था वो ब्रेकअप हो गया था है ना, और अभी आप देखें तो ये देखिए नाम दोबारा से चेंज हो गया है, राइट? सो दैट इज द पावर ऑफ टेम्पलेट्स। आई होप आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा है ना, बाकी और ज़्यादा डिटेल में हम बात करेंगे हमारी क्लासेस के अंदर। तो आई होप आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी, अगर आपको लगी तो प्लीज़ कमेंट ऑन इट। अगर आपको और ऐसी वीडियो चाहिए, क्योंकि ये सारी वीडियो जो है टाइम कंज्यूमिंग होती है, राइट? और अगर आप चाहते हो कि मैं और ऐसी वीडियोस बनाऊं या नेट मीनिंग सॉल्यूशंस और ऐसी वीडियो बनाए डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनर्स के साथ, तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं देन एनरोल फॉर दीज कोर्सेज, क्योंकि बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी लर्निंग में ही है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे जो हैं नेट मीनिंग सॉल्यूशंस के अंदर आते हैं, वो पे करते हैं मे बी 15K मे बी 20K अबाउट है ना, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के लिए, लेकिन उसका 100 टाइम्स, उसका 500 टाइम्स वो निकाल पाते हैं दूसरी कंपनी में जंप करके या अपनी कंपनी में अपने आप को अपग्रेड करके। तो प्लीज़ डू नॉट थिंक अबाउट द इन्वेस्टमेंट, थिंक अबाउट कि रिटर्न उसका कैसे आएगा। ओके, सो विद दीज वर्ड्स आई वुड लाइक टू से थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, हैव अ वेरी गुड डे, बाय बाय।